हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और एमडीज गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत ही मैं एडेनियम के प्लांट से कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे एडेनियम के प्लांट हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए, अभी तो फेब्रुवरी मंथ आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है, तो अभी एग्जैक्ट टाइम है हमें एडेनियम के ऊपर बहुत ही ज़रूरी काम जो करना है। अगर वो हम काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे हमारे सभी एडेनियम। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं सभी बात तो नहीं बता पाऊँगी, इसीलिए दो पार्ट बनाऊँगी इसके। तो आज मैं एडेनियम की कटिंग के बारे में ही बात करूँगी, किस तरह से कट करेंगे, और रिपोर्टिंग के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो आज के वीडियो में एडेनियम ही टॉपिक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मेरे सभी एडेनियम कुछ इस तरह से यहाँ पे रखे हुए हैं और सभी में थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो गई है, और कुछ में अभी ग्रोथ नहीं हुई है, और कुछ में नए नए पत्ते और फूल आ रहे हैं। देखिए, तो देखिए ये उसकी नई नई कलियाँ और नए पत्ते आएंगे, देखिए यहाँ भी। तो देखिए, लगभग सभी में ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ में नहीं हो रहा है, पर फिर भी कोई बात नहीं है। हमें अभी इस समय पे एडेनियम की कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो उसका जो शेप है वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा और अनइवन हो जाएगा। तो देखिए, सभी में नए नए पत्ते और कलियाँ सब आ गई है, फिर भी मुझे जिसमें लगता है कि ये कुछ ओवर ग्रोथ उसकी हो रही है, उसका शेप बिगड़ रहा है, उस सभी एडेनियम को मैं काट दूंगी। तो देखिए, अभी इस समय हम उसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। कुछ कुछ में मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी और कुछ कुछ में मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। तो देखिए, कुछ मैंने एडेनियम से इस तरह से यहाँ ले लिए हैं नीचे, ताकि मैं उसकी अच्छे से कटिंग कर सकूँ। तो देखिए, एडेनियम को कट करने में हमसे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है, तो एक तो ये इस तरह से मैं कुछ ब्लेड ले रही हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। अगर आपके पास ब्लेड नहीं है तो शार्प कोई नाइफ़ भी ले सकते हैं। एकदम शार्प कट हमें करना है, और उसको अच्छे से या तो सैनिटाइज़र से साफ़ कर दे, या तो अच्छे से पानी से धो दे, उसके बाद ही हमें एडेनियम को कट करना है। क्योंकि अगर कट हम अच्छे से नहीं करेंगे और इसमें कुछ ऐसे जम्स होंगे कि एडेनियम पूरे का पूरा सड़ जाएगा, जहाँ से कट करोगे वहाँ से उसकी सड़न शुरू हो जाएगी और पूरा एडेनियम गल जाएगा। तो उसमें हमें सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि ऐसा कुछ शार्प जो होता है, शार्प नाइफ या ऐसी ब्लेड आप शार्प जो है वो यूज़ करें। दूसरी ज़रूरी बात है कि जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से हमें, देखिए मेरे पास फंजीसाइड है, तो वो मैं लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास ये फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो सिनेमन पाउडर है वो लगा सकते हैं। मतलब कि वो तेज पत्ता आता है, सॉरी तज आते हैं, उसका जो पाउडर बनाते हैं वो हमें लगा देना है। या तो फेविकोल या नेल पॉलिश कुछ भी आप लगा सकते हैं, बस उसके वो कट है उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें एडेनियम को इसकी कटिंग करनी है, और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि हमें उसको रिपोटिंग भी करना है। अगर आपके पास दो तीन सालों से एडेनियम इसी गमले में, देखिए इसको तो रिपोटिंग की बहुत ज़रूरी है, एकदम पूरा ये मिट्टी से भरा हुआ है, और लगभग दो तीन सालों से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है,
तो रिपोर्टिंग करना भी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग के बारे में ही बताने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए रिपोर्टिंग का वीडियो में दूसरा बनाऊँगी। कौन सी मिट्टी यूज़ करनी है, कौन सी खाद उसके लिए सबसे ज़रूरी है, तो वो दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, और देखिए इसकी कटिंग को भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, एकदम शार्प कट हमें लगाना है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए इसमें से थोड़ा सा पानी जैसा निकल रहा है, और उसको हम फंजीसाइड से दबा देंगे। तो इसी तरह से मैं सभी एडेनियम कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने एडेनियम को कट कर लिया है, और देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग की है इसकी। अभी इसके नए नए पत्ते, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, इसीलिए तो ये कट लगाया है मैंने इस तरह से यहाँ पे। तो मैं इस तरह से इसके ऊपर फंजीसाइड लगा दूँगी। देखिए इसको बिल्कुल लॉक कर देना है, ताकि यहाँ से कोई फंगस का अटैक ना हो, और हमें ज़रा भी ऐसा डर ना रहे कि हमारा एडेनियम गल जाएगा या कुछ होगा। वैसे तो इस मौसम में कुछ नहीं होता, पर फिर भी इस तरह से मैं सभी जगह पे लगा दूंगी। तो देखिए इसको भी मैंने कट किया, मुझे जैसे लगता है कि इसको कट करना है यहाँ से। देखिए इसमें नई कलियाँ आ रही है, और ये छोटा सा प्लांट है, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, थोड़ा बड़ा होने दूंगी, उसके बाद में कट करूँगी। तो देखिए आज की कटिंग, एडेनियम की कटिंग के बारे में ही ये सभी बातें आप सभी को बतानी थी। तो देखिए बस आज के वीडियो में इतना ही। तो देखिए वीडियो का एंड, ये मेरी बेटी कब से बोल रही है कि मुझे दिखाओ दिखाओ, तो वो साइकिल चला रही है, हाय। तो देखिए वीडियो का एंड में ये बहुत ही खूबसूरत है जो फ्लावर खिले हैं, उससे कर रही हूँ। तो देखिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएँ, ताकि सभी मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ, उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।